दोस्तों, सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करते हैं, आजकल आपने देखा होगा, आजकल जमाना टेक्नोलॉजी का है। आपने देखा होगा साइबर अपराध इतने बड़े हुए हैं कि किसी के खाते में से पैसे निकालना, किसी के डिजिटल चोरी कर लेना, किसी के OTP मांगकर पैसे निकालना, ATM से पैसे निकाल लेना, या फ्रॉड कॉलिंग करके भी आपको पैसे ऐड सकते हैं। इसे कहते हैं साइबर क्राइम। आखिरकार में साइबर अपराध क्या है, इसके बारे में आपको जो मेरे पास ये पुस्तक है, साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा क्या है, साइबर क्राइम क्या है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों इसको अच्छी तरीके से आप सुने और इसे अंत तक देखें, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा साइबर क्राइम इतना बढ़ गया है कि आप अगर थोड़ा चूक गए हैं तो आपके खाते में से पैसे गायब हो सकते हैं। अब साइबर जो क्राइम होता है, साइबर जो चोरी होती है, धोखाधड़ी होती है, किस प्रकार से होती है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। अब बात करते हैं साइबर अपराध क्या है। साइबर अपराध के जागरूक के लिए आपको महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ेगा। साइबर अपराध आपने देखा होगा, आजकल कंप्यूटर युग है, कंप्यूटर में अगर आपने छोटी मोटी गलती कर दी, OTP पासवर्ड किसी को बदल दिया, तो आपके पैसे, आपके कोई और भी सुरक्षा उपकरण नष्ट हो सकते हैं या आपकी चोरी हो सकती है, आपके पैसे खाली हो सकते हैं। साइबर अपराध क्या है, इसके बारे में आपको बता देता हूं दोस्तों। साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जो कंप्यूटर के माध्यम से या नेटवर्क के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान बैठे बैठे आप पैसे निकाल सकते हैं और पैसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें गलती क्या करते हैं, अगर आप पैसे ट्रांसफर करने के बजाय किसी को OTP आप दे देते हैं तो आपका खाता भी खाली हो सकता है, खाता आपका साफ हो सकता है। तो इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल। ये गलत इस्तेमाल करने के बावजूद आप भी सतर्क होना जरूरी है। अगर ऐसा होता है तो आपको सतर्क होना जरूरी है। आजकल आपने देखा होगा साइबर अपराध में गैर आर्थिक लाभ भी शामिल है। इसमें आधार कार्ड का विवरण, क्रेडिट डेबिट विवरण, खातों की सूचना आदि चुराकर उनका दुरुपयोग करते हैं। सोशल मीडिया पर किसी भी व्यक्ति को मानहानि या कंप्यूटर वायरस फैलाना आदि शामिल है, ये साइबर अपराध में आते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि आपको कभी भी बैंक से कभी फ़ोन नहीं आता। आजकल फ्रॉड जो व्यक्ति है कॉल करते हैं कि मैं SBI से बोल रहा हूँ, ICICI से बोल रहा हूँ, आपका ATM कार्ड की डेट निकलने वाली, आप तो एक OTP आएगा, उसका मैसेज मुझे बता दिए। इस प्रकार के अगर आपने उसे OTP बता दिया तो आपके खाते में जितने पैसे हैं वो सारे समाप्त हो जाएंगे। अब साइबर अपराध के प्रकार क्या है, डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी हो सकती है, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से हमला हो सकता है, पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप आदि से आपके पासवर्ड चुरा कर, आपके पासवर्ड देकर आपके साथ धोखाधड़ी करी जा सकती है, या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से भी आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। लेकिन आपने देखा सोशल मीडिया अकाउंट भी हैंग हो जाते हैं। आजकल फेसबुक अकाउंट हैंग करके उसमें भी आप पैसे मांगे जाते हैं, ये भी एक साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की स्क्रीनिंग इसकी सेम टू सेम बनाकर, जैसे आप ATM में जाओगे वहाँ ही उस ATM का जो हिस्सा है वहाँ को उसको हैंग कर देते हैं, जो आपने पासवर्ड लगाए, आपके जो कार्ड में नंबर, उनको भी चुरा लेते हैं। ये भी साइबर धोखाधड़ी हो सकती है दोस्तों। बहुत सारी इस प्रकार की धोखाधड़ी होती है, फिशिंग आदि बहुत सारे। आपके जैसे आपके कंप्यूटर पासवर्ड OTP मांगते हैं, हर चीज़ में OTP मांगते हैं कि अगर आप प्रमाणित हैं तो सारी चीज़ें, आजकल ड्राइविंग लाइसेंस हो कोई सा भी है उसमें OTP मांगते हैं दोस्तों। इसलिए क्रेडिट कार्ड की धोखाधड़ी हो सकती है, लॉटरी धोखाधड़ी हो सकती है, नौकरी से संबंधित धोखाधड़ी हो सकती है, बहुत सारी धोखाधड़ी हो सकती है। अगर आपके साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी से आप बच सकते हो, आपको जागरूक होना पड़ेगा। आपको किसी भी प्रकार से फोन आए उस फोन को आप सुन सकते हो, लेकिन उसे किसी प्रकार के आधार कार्ड नंबर मांगे, बैंक नंबर मांगे, OTP मांगे तो आपको नहीं देना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके साथ बिल्कुल धोखाधड़ी हो सकती है, आपके खाते साफ हो सकते हैं दोस्तों। मैं इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है, कभी भी बैंक या कोई भी कंपनी जो रजिस्टर्ड है वो आपसे कभी भी OTP नहीं मांगेगी, ना ही बैंक आपको फ़ोन करेगा। केवल बैंक अगर फ़ोन भी करता है तो आपको बैंक बुलाने के बावजूद, बैंक बुलाएगा, बैंक बुलाने के बाव
बाद ही वो सारी चीज़ें कर सकता है। बैंक वाले ऐसे नहीं कि आपका OTP बताए, मैं सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती दोस्तों, क्योंकि ये सोशल मीडिया धोखाधड़ी हो सकती है। सोशल मीडिया पर धोखाधड़ी के उदाहरण बहुत सारे हैं, आपने देखा होगा, पैसे की मांग करते हैं, पीड़ित को परेशान करते हैं, ये सारी चीज़ें एक दूसरे दोस्त को, जैसे आपने देखा होगा आजकल फेसबुक हैंग करके अपने दोस्त जो निजी हैं तो उनसे हाय हेलो करके, आज मैं इस मुसीबत में फंस गया, मुझे 10,000 की आवश्यकता, तुरंत पीछे डाल देता है और वो पैसे गायब हो जाते हैं। इसलिए वो फेसबुक को हैंग करके सोशल मीडिया को आदि में जाकर धोखाधड़ी कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों साइबर जो क्राइम है इससे आपको बच सकते हो, और बचने के लिए आपको क्या करना है, इस प्रकार के माध्यम से आपको किस प्रकार से मोबाइल एप्लीकेशन से अगर धोखाधड़ी होती है या किसी प्रकार की धोखाधड़ी होती है तो आप कहाँ शिकायत कर सकते हैं। आप ऑनलाइन बैंकिंग में भी आपकी धोखाधड़ी हो सकती है, ऑनलाइन बैंकिंग में आपको पासवर्ड अपने पास रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। अगर आपने कमज़ोर पासवर्ड का लगा रखा है और किसी को, जैसे 1 2 3 4 5 लगा रखा है, तो ये सबको पता है कि 1 2 3 4 5 लगा सकते हैं, जैसे पासवर्ड लगाए जो उनको पता नहीं है, जो वो आसानी से उसे खोल नहीं सकते, इस प्रकार के पासवर्ड आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आपके खाता या कुछ भी जो भी है आपकी एप्लीकेशन या कुछ भी है उसे हैंग हो सकती है और आपके मेल आईडी या आपके खाते नंबर या जो भी आपके सब आपके चेंज हो सकते हैं और आपके बहुत सारे पैसे निकलाए जा सकते हैं। अगर आपके साथ इस प्रकार की चिटिंग धोखाधड़ी सोशल मीडिया किसी के माध्यम से होती है, बैंकिंग धोखाधड़ी भी हो सकती है, किसी प्रकार के आपके साथ धोखाधड़ी होती है, तो आप उसकी शिकायत कहाँ करा सकते हैं, आप शिकायत कहाँ करें दोस्तों। अगर आपके साथ ऐसा होता है तुरंत अविलंब तुरंत आप अपने निकटतम जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाए, वहाँ पर जाकर आप उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। अगर ये नहीं करा सकते तो आप साइबर अपराध की ऑनलाइन रिपोर्ट करने के लिए आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाकर cybercrime.gov.in लिखकर पोर्टल पर आप जाकर जो भी आपके साथ चीटिंग हुई है, जो भी आपके साथ अपराध हुआ है, उसकी आप शिकायत करा सकते हैं। या इसके साथ साथ हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, उस हेल्पलाइन नंबर पर 155260 पर जाकर डायल करके भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं साइबर क्राइम की। 155260 पर जाकर भी आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ गुम हो गया, मोबाइल चोरी हो गया, इसकी रिपोर्ट भी थाने में आप दर्ज करा सकते हैं, या हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से भी आप हर जगह आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिससे आपके बहुत सारी घटना हो जाती है आजकल दोस्तों। आपका मोबाइल किसी व्यक्ति द्वारा किसी को गाली गलौज कर दिया तो उसकी लोकेशन आती है, तो आपके नंबर है, आपके नाम है, तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। इसलिए दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा होता है किसी भी संगठित डाटा के साथ या किसी भी कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो धारा 65 लागू होती है, और इसके साथ कंप्यूटर के जो डेटा के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, हैंग करने की कोशिश करता है, तो धारा 66 लगती है, और कोई भी मैसेज प्रतिबंधित सूचना भेजता है उसमें धारा 66 लगती है। इसलिए दोस्तों कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डाटा की चोरी करता है तो वो धोखाधड़ी मानी जाती है। इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा व्यवहार किसी व्यक्ति के द्वारा फ्रॉडिंग करने की सोचता है तो आप सचेत हो जाइए, आप किसी भी व्यक्ति की इस प्रकार की सूचना में नहीं आए, किसी भी फोन कर रहा है तो उसकी बेकाबू में नहीं आए दोस्तों। इसलिए मेरा कहने का मतलब साइबर अपराध इतना बढ़ चुका है जिसको आप को सचेत होना है, अपने परिवार को सचेत करना है, अपने दोस्तों के साथ सचेत करना है। और मैं ये भी उम्मीद कर सकता हूँ कि अगर आप अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो, अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो से आपको संतुष्ट पूर्ण जानकारी मिली तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार नई नई नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे मेरे साथ सहयोग करते रहेंगे और मेरे चैनल को ग्रो करने में आपका योगदान महत्वपूर्ण रहेगा। चाहिए।